नमस्कार, मैं हूं श्याम गिरी। मुद्दा भारत का में आपका स्वागत है। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। हम नए नए मुद्दे पर आपके सामने नए नए मेहमान के साथ में रूबरू होंगे आने वाले दिनों में। फिलहाल उसी कड़ी में आज हमारे साथ में है ठाणे जिला के उत्तर भारतीय शहर अध्यक्ष शैलेश मिश्रा जी। हम इनके सामने आज का जो टॉपिक रखेंगे वो जो माननीय श्री राज ठाकरे जी ने जो रैली था उस रैली को किस तरह से उत्तर भारतीय अपने नज़र में देख रहे हैं उसी कड़ी में हम उनसे पूछेंगे। शैलेश मिश्रा जी, आप ठाणे शहर जिला के उत्तर भारतीय अध्यक्ष हैं, आप इस रैली को किस नज़र से देख रहे हैं? खासकर इसको भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित रैली माना जा रहा है। राज ठाकरे का काफ़ी विरोधी के रूप में उत्तर भारतीयों में एक इमेज है, उस इमेज को आप किस नज़र से देख रहे हैं? खासकर आने वाले चुनाव में जो BMC चुनाव है, ठाणे महानगरपालिका चुनाव है, तो क्या लगता है उत्तर भारतीयों में किस तरह का मैसेज जा रहा है भाजपा के लिए? मैं मुद्दा भारत का शुरू करने के लिए श्यामगिरी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और इनके अनुभव को देखते हुए मैं चाहता हूं, मैं जानता हूं कि ये एक दिन थाना में बुलंद सोशल मीडिया के ऊपर उनका न्यूज़ बहुत अच्छी तरह से चलेगा, उनका अभिनंदन करता हूं। और ये पाड़वा के उपलक्ष्य में हमारे जितने हिंदू नववर्ष का जो ये पर्व हम मना रहे हैं, इसके लिए मैं सारी भारत की जनता के लिए उत्तर भारतीय मोर्चा ठाणे शहर जिला की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन करता हूं। इस नवरात्रि के उपलक्ष्य में पाड़वा के दिन राज ठाकरे जी ने शिवाजी पार्क पे जो रैली की और उसमें जो उन्होंने अपना आज का उनका जो विचार रखा है, ये बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक है। आज 16 वर्ष हो गए मनसे को, 16 वर्ष का उनका जो अनुभव रहा है, उन्होंने कई तजुर्बे किए हैं, कई एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अपने आप को। उनका उद्देश्य बहुत साफ़ है, मैं उनको बहुत ही एक स्पष्ट वक्ता और एकदम साधारण व्यक्ति मानता हूँ, क्योंकि वो अपने प्रदेश के, अपने लोगों के, अपनी भाषा के, अपने संस्कृति के, अपने संस्कार के, अपने विचारों के, अपने नेताओं के हक में खड़े रहते हैं, उनको सम्मान, उनको न्याय दिलाने के लिए उनको संघर्ष करते रहते हैं। इसलिए मैं उनका दिल से अभिनंदन करना चाहता हूँ। ये बात और है कि एक जो हम उत्तर भारतीय लोग हैं, हम लोग एक संयुक्त परिवार में ज़्यादा विश्वास रखने में रखते हैं। इस तरीके से हमारी सोच पूरी भारत को लेके होती है हमेशा, हम किसी एक प्रांत या एक भाषा को लेके नहीं चलते हैं। और राज साहब जिस परिवार से आते हैं वहाँ पे यूनी फैमिली या सिंगल फैमिली का ज़्यादा वहाँ पर प्रभाव है। जैसे ही लड़के का अपना परिवार होता है, वो चाहता है कि मैं अपना अस्तित्व समाज में बनाऊं, और इस तरीके से वो संघर्ष करने लगता है कैसे भी तरीके से अपनी भूमिका खड़ी करे। तो ये जो दूजा भाव है हमारे विचारधारा में, यही बार बार प्रकट होकर दिखता है। अब राज ठाकरे जी को अगर पूरे भारत के दृष्टि, जैसे अभी उन्होंने खुशी जाहिर की कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जीत के आई है और वहाँ पर विकास में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा खुशी जाहिर की है, यह दर्शाता है कि वो हमारे भलाई में उनको बहुत आनंद आ रहा है। किंतु अगर उस भलाई में हम अपने हित के लिए, अपने लोगों के नौकरी के लिए, अपने लोगों के अच्छे जीवन के लिए, शिक्षा के लिए अगर यहाँ पे महाराष्ट्र में आते हैं, उनको ऐसा आभास होता है कि उनके लोगों के हक को हम छीनते हैं, जबकि हम उनके हक को छीनते नहीं हैं। हम यहाँ की अर्थव्यवस्था को और समृद्ध करने के लिए आते हैं, यहाँ की पूरी जीवन सरणी को, पूरे संस्कृति को हम अपना योगदान देने आते हैं। श्री राम श्री कृष्ण की भूमि से हम आए हैं, हम यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, बाबा साहेब अम्बेडकर, फुले, इनकी विरासत को और बढ़ाने के लिए आए हैं वहाँ पर, उसमें हम कोई कमी करने के लिए नहीं आए हैं। तो मिश्रा जी, एक चीज़ इसमें और है कि उन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा है कि जो यहाँ पर जो पट्टियों को एक तरह से सरकार घर बना बना के देती है, उसमें ज़्यादा करके बाहर के लोग आते हैं और उसमें उनको उसका फ़ायदा उठा लेते हैं, जबकि यहाँ के जो भूमिपुत्र है, जो यहाँ के मराठी लोग हैं, उनको घर नहीं मिल पाता। एक तरह से उन्होंने एक तरह से बाहर से आने वाले लोगों के ऊपर भी तंज कसा और उनका एक मानना है कि बाहर वाले लोगों को इतनी सुविधा यहाँ महाराष्ट्र में नहीं मिलनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक तरह से विरोधाभास भी सामने नज़र आता है। सच पूछो तो मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। यहाँ पे कानून और उसकी व्यवस्था रहनी चाहिए महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में मुंबई में और उसके आजू बाजू के जितने सैटेलाइट सिटीज़ हैं, मैं पूरी तरीके से राज साहब के समर्थन में हूँ। सच पूछो तो अगर BMC अपने कानून को पूरी तरीके से अमल में लाती है और जितने भी स्लम बढ़ते जा रहे हैं अगर उसके ऊपर नियंत्रित करती है, और अगर बाहर से आने वालों को यहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो जो सबर्बन सिटीज़ हैं, अंबरनाथ है, टिटवाला है, उल्लासनगर है, कल्याण है, यहाँ पे भी विकास होगा, वो जाके वहाँ पे बसेंगे। मुंबई को सस्ती मजदूर
मुहैया कराने का दायित्व एक तरीके से समझ लो उत्तर भारतीय समाज लेता है, और वो अपनी शिद्दत से अपनी मेहनत से इस महाराष्ट्र को समृद्ध करता है, उनको रहने के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, ये भी दायित्व यहाँ के महाराष्ट्र की सरकार का और बीएमसी का, लोकल बॉडीज़ का बनता है। लेकिन अगर गैरकानूनी तरीके से कुछ स्लम्स बन रहे हैं और उसके अंदर अराजक तत्व उसमें रहते हैं और उसकी वजह से कानून व्यवस्था बिगड़ती है और पूरे समाज के लिए खतरा बन जाती है, तो ये सच में गलत है। और राज साहब ने जैसा उल्लेख किया कि मातोश्री का रोड क्रॉस करते ही वहाँ पे जहाँ पे चार पांच झोपड़पट्टियाँ थी और आज वहाँ पे चार चार महले के झोपड़पट्टी बनी हुई है, तो ये कैसे हो सका? आज इतने सालों से शिवसेना वहाँ पे सत्ता में है, आखिर वो क्या कर रही है? सिर्फ पैसा कमाका और भ्रष्टाचार का राजकारण करके वो महाराष्ट्र की सत्ता पे इतने दिनों तक काबिज रही है, लेकिन अब उनका जो झूठा हिंदुत्व है वो पूरी तरीके से खुल गया है। और राज साहब ने बहुत ही सही समय पे एक सही भूमिका ली है, और मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से अगर वो मुख्य धारा में राजनीति में अपने आप को जोड़ के रखेंगे तो उनकी पार्टी का और पूरे समाज का बहुत उत्थान होगा। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में भाजपा एक नए पार्टी यानी कि शिवसेना की जगह पर राज ठाकरे को अपने साथ में मनसे को कंबाइन करके चल सकती है, क्या लगता है आपको? भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, पहले राष्ट्र फिर पक्ष और फिर हम, इस विचारधारा को लेके हमारे हिंदू सनातन धर्म को समृद्ध करने के लिए, अखंड भारत को सशक्त बनाने के लिए जो भी कोई इस विचारधारा से जुड़ेगा उनका स्वागत है। उन्होंने पीछे इसके पहले क्या क्या अपनी भूमिका रखी है उसको नज़रअंदाज करके भी अगर वह आज मुख्य भूमिका में आना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सदैव उनका स्वागत करेगी। आने वाले दिनों में आप भी जो है उत्तर भारतीय लोगों के बीच में आप जाएंगे, अपने पार्टी के लिए उनसे वोट भी मांगेंगे, और उसमें उस बीच में अगर कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो राज ठाकरे की खिलाफत होंगे, तो उनको कैसे आप मैनेज करेंगे अपने पार्टी के लिए? देखिए, मैं भी अपने समाज के लिए, अपनी भाषा के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने देवी देवताओं के लिए संघर्ष करता हूँ, उनके मान सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए, न्याय के लिए संघर्ष करता हूँ। अगर राज ठाकरे अपने लोगों के लिए संघर्ष कर रहे तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। सिफत इतनी होनी चाहिए कि हम हमारी सुरक्षा करते समय किसी के हक पे हम डाला ना डालें, किसी के अधिकार के ऊपर हम आक्षेप ना करें। उतना अगर समझदारी बरता जा सकता है, और जैसे कि मैंने भी बताया 16 साल हो गया मनसे को, अब तक वो बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं समाज और ये राजनीति किस तरीके से ली जा सकती है। किसी भी एक वर्ग को अगर आप ऐसा अछूता या उसकी घृणा करके, उसका तिरस्कार करके अगर राजनीति करना चाहेंगे तो आप अपना अस्तित्व भी नहीं बचा पाएंगे। और ये समझ मेरे ख्याल से इनके आज के जो कल उनका सभा हुआ है उसके अंदर उन्होंने जो भी वक्तव्य दिया है वो पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि कैसे सारे समाज को साथ में ले जाके अपना वो पार्टी का भी और पूरे समाज का भला कर सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो शिवसेना भी इसको एक अलग लड़ाई से लड़ेगी कि लोगों को बरगलाएगी भी उत्तर भारतीयों को कि देखिए आपके बीच में एक एग्रेसिव सेना आपके सामने आ रही है जो कभी किसी का नहीं हो सकती, आने वाले दिन में जो है ये उत्तर भारतीयों को कुछ भी कर सकते हैं, तो बरगलाने का भी कोशिश शिवसेना करेगी। उसके लिए आप उत्तर भारतीय नेता के नाते आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, उस पब्लिक को कैसे मैनेज करेंगे? यहाँ पे सच पूछो तो मैं अपने भाइयों को सावधान करूंगा कि अभी तक शिवसेना हमको बरगला रही थी, अभी तक झूठे हिंदुत्व के नाम पे उन्होंने जो भ्रष्टाचार का राजनीति किया और उत्तर भारतीयों को हमेशा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, शैक्षणिक हर तरीके पे वो दबा के और उनका खाली एक भीड़ के नाते कैसे उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, छोटी छोटी बस्तियों में भी अपनी शाखा बना के उनके ऊपर एक तरीके से एक दबाव तंत्र उनका हमेशा कायम रहता है, उनको कभी भी खुल के जीने का मौका नहीं दिया जाता है। मैं सच में धन्यभाग मानता हूँ कि शिवसेना ने अपनी असली चेहरा दिखा दिया है, और आगे भविष्य में क्या होगा इसका मैं कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन आज की उनकी भूमिका ये बताती है कि वो स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें अपने धर्म का, अपने विरासत का पूरा त्याग करके एक ऐसी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल अपने आप को पाती है। तो यहाँ पर अगर उनकी जगह भरने के लिए उनका कोई भाई अपनी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ के अगर वो काम करना चाहती है तो हमारे पार्टी नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा उसके साथ हम हैं, हम पार्टी की सिपाही हैं और पार्टी का जो भी ध्येय धोरण होगा उसके साथ काम। आप हमारे चैनल के माध्यम से उत्तर भारतीयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, खासकर मुंबई थाने के लिए? मैं ये चाहूँगा कि आपकी जनसंख्या के आधार पर आप लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए संगठित हो जाओ। और एक ही पार्टी है जो हमारे श्री राम और श्री कृष्ण के भूमि से आए हुए लोगों का सम्मान करती है और उनको न्याय दिला सकती है और उनको हर तरीके का सहयोग दे सकती है, सम्मान दिला सकती है। तो सारा कुछ जो भी हुआ है, सजग समाज है, राजनीतिक रूप से एकदम जागरूक समाज है उत्तर भारतीय समाज। मानता हूँ कि वहाँ पे आर्थिक अड़चनों की वजह से यहाँ पे उनको आना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में एक संगठित होकर
अपने लिए लड़ेंगे तो उनको न्याय मिलेगा, उनको सम्मान भी मिलेगा। जो घृणा की राजनीति ये पार्टियां करती हैं, इससे उनको छुटकारा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे शैलेश मिश्रा जी, इनका यही कहना है कि राज ठाकरे अगर मन से पार्टी के साथ में हमारे साथ यानी भारतीय जनता पार्टी साथ जुड़ते हैं तो उत्तर भारतीयों को कोई भी मुश्किल नहीं है। और हम इसी तरह डिबेट में अलग अलग चेहरों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हमारा चैनल कैसा लगा, हमारे मुद्दा भारत का, आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए। और हाँ जी हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हम आगे आने वाले दिन में और अच्छे अच्छे मुद्दों को आपके सामने ला सकें। धन्यवाद।